ऐसे इस वीडियो में बताऊंगा रियलमी C2 के अंदर रियलमी UI अपडेट आ चुका है, उसमें तुम्हें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे सारा कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ। मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले ये बता दूँ, कुछ लोगों ने मेरे कमेंट किए थे कमेंट बॉक्स में, यहाँ ये पढ़ सकते हो और ये भी पढ़ सकते हो। उन लोगों का कमेंट आया है कि हमें ट्रायल वर्जन में 8.31 वाला अपडेट मिला है, कोई बोल रहा है कि हमें 8.47 वाला मिला है, यानी कि रियलमी UI अपडेट हमें नहीं मिला है, या फिर भरने का वहाँ पे प्रयास करते हैं तो वहाँ देखा आ रहा होगा कि 1000 मेंबर्स वहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं, योर एप्लीकेशन एग्जॉस्ट, यानी कि जो रियलमी UI वाला फॉर्म है वो ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा फिलअप हो गया है, 1000 लोगों को ही दिया गया था, अगले टाइम पर आप अप्लाई करें। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ उसको रियलमी UI उन सबको कैसे मिलेगा। उन लोगों को रियलमी UI मिलेगा उनके 15 जनवरी से पहले, जो कि स्टेबल फॉर्म में अगर अपडेट आता है तो वो सबको मिल जाएगा। और मैं बताऊंगा मेरे रियलमी C2 के अंदर ये वाले सारे कुछ फीचर्स जो रियलमी UI के अंदर मिले हैं, सारे फीचर्स को मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकल बेस्ड वीडियोज़ अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ मेरे डैशबोर्ड पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की सेटिंग वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, जस्ट बार स्क्रॉल करने के बाद आपको इसका मॉडल नंबर और भी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर अबाउट फ़ोन में जाऊँगा, और अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ आप देख पा रहे होगे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है रियलमी C2, और वर्जन भी लिखा हुआ है यहाँ रियलमी UI V1.0 और Android 10 पे वर्क कर रहा है, 2 GB रैम है और 16 GB इंटरनल मेमोरी है, और यहाँ मॉडल नंबर देख पा रहे होगे, सिम वगैरह यहाँ सारा कुछ दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर रियलमी UI अपडेट तो मुझे मिल चुका है बहुत पहले से स्टेबल फॉर्म में। यहाँ पर देखिए जेस्चर मोशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और वो क्या हैं देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं सारा कुछ आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, यानी कि पूरा ही एडवांस है पहले से यहाँ पर, ये जो कि पहले इतना एडवांस नहीं था। और इसमें हैंगिंग की प्रॉब्लम भी अब ख़त्म हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा मेरा फ़ोन लैग करता था, यहाँ पर वो लैग प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। उसके अलावा आप देख पा रहे होगे यहाँ नोटिफिकेशन पैनल भी चेंज है पूरा का पूरा, देखिए ये सब कुछ चेंज हो चुका है। और यहाँ डार्क मोड का भी ऑप्शन आ चुका है, डार्क मोड में कर सकती हो या फिर तुम वाइट मोड में भी चला सकते हो। और यहाँ पर सर्च करते हैं जेस्टर, तो जेस्टर में देखेंगे क्या क्या है रियलमी की नई अपडेट के साथ में आया हुआ है, तो आप इसको कर सकते हो। ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये स्क्रीन ऑफ होने पर ये कार्य करेंगे, ऐसे ओ प्रेस करोगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा, वही प्रेस करने पर फ्लैश लाइट ऑन होगी, ऐसे यहाँ पे आप सेट कर सकते हो एज योर चॉइस। और आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, देखिए इस प्रकार से जो बता दिया यहाँ पर उस प्रकार से आप ये सब कुछ भी कर सकते हो। देख पा रहे हो यहाँ बैक मेरा हो रहा है, सारा कुछ यहाँ वर्क कर रहा है लगभग, तो ये वर्किंग हो रही है यहाँ पर। ऐसे ही आप अपने फ़ोन के अंदर ये सब कुछ आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये बटन्स वाला यानी कि जेस्टर स्वाइप वाला यहाँ पर, जो कि MI में बहुत दिन पहले से चल रहा था। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, ये समझ पा रहे होगे यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें इनेबल कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बट मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ, और आप यूज कर लेना, मैं यूज नहीं करता हूँ, इस वजह से मैं यूज नहीं कर सकता, इट मीन्स मैं इसको यूज करना ही नहीं चाहता, मैं तो वैसे ही चलाना चाहता हूँ वर्चुअल बटन टाइप में। तो यहाँ से बटन भी कहीं एक प्रकार के दे दिए हैं, यानी कि नीचे आप बटन देख पा रहे होगे रियलमी C2 के बटन है ना, वो चेंज कर दिए गए हैं नई अपडेट के साथ में। तो बहुत सारे मोस्टली चेंजेस आए हुए हैं, कैमरे के अंदर चेंजेस आए हुए हैं, लोगो के अंदर चेंजेस आए हैं, स्क्रीन के अंदर चेंजेस आए हैं, सो मैनी चेंजेस इन योर अपडेट, सो योर इन्जॉय योर सेल्फ गाइज, एंड फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।